बच्चों मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी केमिस्ट्री की क्लास में आपको पता हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि हम डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट कर रहे हैं कल मेरा क्वेश्चन था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या डिफरेंस है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में और नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट में तो बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है एफ ऑर्बिटल में ठीक है अच्छा जी अब इनर और नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में एफ ब्लॉक में फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की और ट्रांजिशन में डी ब्लॉक की ओके okay, आइए अब हमारा कहानी शिकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हुआ वाई द डिक्रीज इन रेडिया ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट एज प्रनाउंसड एज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सो बेटा अगर मैं आपसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करूं यानी ग्रुप नंबर तेरह से ग्रुप नंबर अठारह उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं उनके अटोमिक साइज़ भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होते हैं और उनके अटोमिक साइज़ भी डाउन द पीरियड अलोंग द पीरियड डिक्रीज होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में पी ऑर्बिटल फिल होता है, है ना अगर पी वन फिल हो गया तो ग्रुप वन हो गया ग्रुप तेरह हो गया पी पे 14, पी पे 15, पी पे 16, पी पे सतारह और पी जब 6 हो जाता तो है तो हम ग्रुप अठारह दैट इज नोबल गैसेस पे पहुंच जाते हैं अब देखो जो पी ऑर्बिटल है ना उसकी शेप बिल्कुल प्रॉपर होती है उसमें किसी भी तरह के होल्स uh, नहीं होते और आप कह सकते हो किसी भी तरह की डिफ्यूज शेप नहीं होती पी ऑर्बिटल की इस करके वहां पे आपको कोई भी जब आप प्रॉपर्टी स्टडी करते हो वो रेगुलर ऑर्डर शो करती है यानी अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो अटोमिक साइज डिक्रीज होगा ही होगा टॉअप टू बॉटम जाओगे अटॉमिक साइज इंक्रीज होगा ही होगा पर ये सारी बातें आपको बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिलती ट्रांजिशन एलिमेंट में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो कभी साइज बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है तो इसके पीछे जो रीजन छुपा हुआ बेटा वो रीजन छुपा हुआ है डी ऑर्बिटल की डिफ्यूज शेप के पीछे डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल इन दोनों की जो शेप होती है बेटा डिफ्यूज्ड होती है और डिफ्यूज शेप होने के कारण डिफ्यूज शेप होने के कारण क्या हो जाता है कि इनमें जब भी आप इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उसमें जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली वेरी नहीं करता डिफ्यूज शेप का होने का मतलब कि अब नॉर्मल शेप होती है इस डी ऑर्बिटल का आपको याद है डी ऑर्बिटल के अगर हम ऑर्बिटल देखें वही पाँच होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्र वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर तो इनकी शेप इतनी अलग सी और डिफरेंट होती है इसी करके इनमें कोई भी ट्रेंड हम रेगुलरली स्टडी नहीं कर सकते आपने ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो देखा पहले बढ़ने लग जाती है बीच में बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर घटने लग जाती है इसी तरह अगर आप डी ऑर्बिटल के साइज को भी स्टडी करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अब और एरर्स आपको देखने को मिलेंगे जो डी ऑर्बिटल होता है, है आउटर मोस्ट शैल होती है और उसकी शेप डिफ्यूज होती है जिसके करके ये प्रॉब्लम आते है ये देखें ऑन मूविंग अलॉन्ग अ ट्रांजिशन सीरीज द न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीजेज विच टेन टू डिक्रीज दाइज बट दिन ऑफ इलेक्ट्रोन इन दिनल्टी में चेंज इन द रेडिया ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज ऑब्जर्व तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आपको इतनी अब नॉर्मैलिटीज इसलिए मिल रही है क्योंकि डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज होती है दूसरा क्योंकि अब जब भी डी आपकी ट्रांजिशन सीरीज शुरू होगी तो उसमें डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो क्योंकि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो अच्छे से स्क्रीन नहीं हो पाते न्यूक्लियस उनको स्क्रीन नहीं कर पाता ठीक है आउटर मोशल क्या है डी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसमें डिफ्यूजिबिलिटी है यानी उसमें होल्स हैं सो so, प्रॉपरली वो शील्ड नहीं कर पाता न्यूक्लियस को इस करके हमें साइज में चेंजेस देखने को मिलते हैं बिकॉज इसमें अगर आप कंट्रैक्शन और रेक्नाइट कंट्रैक्शन को भी कंपेयर करोगे ना बेटा तो वो वाला फंडा भी यहां पे समझा जाएगा ओके okay. अच्छा अब अगला देखो फिर से आ गया कि ये बताओ जी ट्रांजिशन मेटल्स में एलिमेंट्स में हमें हमेशा इरेगुलरिटीज देखने को क्यों मिलती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन में फिर वही बात कि ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है एनर्जीज का एक तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी डी सब्सियल की एनर्जी और एन एस सब्शियल की एनर्जी आपके साथ मैंने कितनी एग्जाम्पल डिस्कस की जिनमें मैंने आपको क्या बताया था जिनमें मैंने आपको ये बताया था कि जितनी एनर्जी जितनी एनर्जी आप डी से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा रहे हो उतनी एनर्जी में ही एस में से भी इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे तो सपोज अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है थ्री डी फाइव फोर एस टू सो so, मैं अब एनर्जी लगा रहा हूं मैं डी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा उतनी ही एनर्जी बेटा एस में से इलेक्ट्रॉन निकालने में भी लगनी है तो जैसे जैसे डी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे साथ ही साथ एफ में से भी इलेक्ट्रॉन एस में से भी इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे ठीक है सो so, उसके बाद चक्कर ये होता है कि इनकी एनर्जी सेम होगी डी ऑर्बिटल की एनर्जी और एस ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी जैसे थ्री और फोर की अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास अब चॉइस होती है चाहे तो वो एस ऑर्बिटल में चला जाए चाहे वो डी ऑर्बिटल में चला जाए इस रीजन के करके आपको इरेगुलरिटी देखने को मिलती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ठीक है तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये आप कह सकते हैं बाय चांस वाली बात होगी कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके पास 3d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है 4s भी अवेलेबल है उसने दोनों में से किसी एक ऑर्बिटल में जाना है तो बात तब बनती है, अगर वो सीधा पहले डी में ऐड होना शुरू होता या सबसे पहले एस में ऐड होना शुरू होता है यहां पे क्या हो रहा है रैंडम ऑर्डर में कभी एस में इलेक्ट्रॉन जा रहा कभी डी में जा रहा कभी एस में जा रहा कभी में जा रहा तो आपको इरेग्यूलरिटी देखने को मिलेगी आप कोई भी प्रॉपर्टी यहां पे ना एक्यूरेट ऑर्डर में नहीं स्टडी कर पाओगे चाहे तो वो प्रॉपर्टी हो अटोमिक रेडिया चाहे वो प्रॉपर्टी हो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहे वो प्रॉपर्टी हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चाहे वो प्रॉपर्टी हो मेटालिक करेक्टर ये सारे में आपको अब नॉर्मैलिटी मिलेगी रैंडमनेस मिलेगी प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिलेगा अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूँ अगर हम पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है पर डी में आपको ऐसे नहीं मिलेगा किसी की बढ़ी हुई होगी किसी की कम होगी रीज़न क्योंकि जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है या तो कभी डी में ऐड हो जाता है कभी एस में ऐड हो जाता है क्योंकि एस और डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है सो so, इन दोनों क्वेश्चन से इन दोनों क्वेश्चन से हमें क्या नॉलेज मिली इन दोनों क्वेश्चन से हमें ये नॉलेज मिली कि डी ऑर्बिटल यानी डी ऑर्बिटल का जो ब्लॉक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें कोई भी चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं चलती वहाँ पे सिमेट्री बिल्कुल नहीं होती सिमेट्री क्यों नहीं होती प्रॉपर्टीज़ में क्योंकि जी एक तो वहां पे जो डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो डिफ्यूज है यानी एररफुल है और दूसरा डी और एस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा सेम रहती है तो कभी रैंडमली डी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है कभी एस में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन की प्रॉब्लम के करके इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं एक ही ऑर्डर में ना तो वो डिक्रीज होती हैं ना ही वो इंक्रीज होती हैं ओके okay, बेटा अब मेरे पास आप से, आ, आप से आप हो रहे हैं। बड़े क्वेश्चन सो आइए अब हम बात तो right मैंने आपको कल करवा दिया है फिर इन वॉट वे एज द ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथनाइड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो लेंथनाइड हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है आइए बात करें देखो जी जीड में फोर एफल फाइव डी जीरो प्लस थ्री कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है क्योंकि इनके हमेशा एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में वन इलेक्ट्रॉन होता है सो so, जब भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो या तो वो सिक्स एस टू में से निकलेगा डी वन का निकलेगा उसके बाद इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन सिमिलर होने के कारण सम ऑफ द आल्सो शो प्लस टू एंड प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी अब जैसे जैसे हम जाएंगे बस सिंपल बेटा इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होने हैं ठीक है जो भी इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से रिमूव होने वो डी और एस में से रिमूव होने हैं सो या तो आपको प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपके पूरे का पूरे सिक्स एस के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे डी का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा या आपको प्लस टू देखने को मिलेगी मतलब इसके अंदर ये बात आप याद रखना कि फोर एफ ऑर्बिटल को कभी टच नहीं किया जाता इलेक्ट्रॉन निकालने में जो डी और एस में इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं उनको हम बाहर निकालते रहते हैं अब देखो अब सीरियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ध्यान से देखना फोर एफ टू है फाइव डी जीरो है सिक्स एस टू है फोर एफ टू फाइव डी जीरो स्टेबल बनाने के लिए पूरी इलेक्ट्रॉनिक को स्टेबल बनाने के लिए अगर इसमें से चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाए दो एफ के इलेक्ट्रॉन निकल जाए दो एस के इलेक्ट्रॉन निकल जाए फोर एफ के पास भी जीरो फाइव डी के पास भी जीरो अभी सिक्स एस के पास भी जीरो इन सब के पास जीरो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से क्या हो जाएगा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर हो जाएगी तो इसी करके सीरियम हमेशा हमेशा देखा गया प्लस फोर ऑक्सीडेशन में रहना पसंद करता है जहां पे वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है इज टू नोबल गैस क्या होता है सीरियम फोर प्लस में फोर प्लस में हो जाता है जी फोर एफ जीरो फाइव डी जीरो सिक्स एफ जीरो अच्छा तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंथनाइड की है वो डिपेंड करती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के ऊपर ठीक है अब मैं आपके साथ एक बात करता हूं अगर हमारे पास है फोर एफ एट फाइव डी वन और सिक्स एस हमारे पास टू है फोर एट ए फोर एफ एट फाइव डी वन सिक्स एस टू चलो मैं तो यहाँ पे दिखाता हूं हमारे पास है फोर एफ एट फाइव डी वन सिक्स एस टू अब आप ध्यान से देखो यहां पे फोर एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं सेवन आप सेवन में इलेक्ट्रॉन प्लेस करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थे एट डी में पांच होते हैं ऑर्बिटल एक डी में आ गया सिक्स में कितने होंगे दो अब समझ आ रहा है अब देखो बेटा आप सभी को मैंने सिखाया हुआ था प्लस वन में कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत स्टेबल होती है सो अगर यहां से सिक्स में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, 5d में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और 4f में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 4f हाफ फिल्ड नहीं हो जाएगा 4f7 हो जाएगा सो so, अगर हम इसके अंदर से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं एक दो तीन चार चार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यानी एलिमेंट के ऊपर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी 4f7 5d 0 6s 0 yeah. तो अब ये पूरी हाफ फील्ड आ गई तो हाफ फिल्ड होने के कारण बेटा जितने मर्जी हाफ फील्ड होने के कारण ये अपने चार इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा सो सारे लेंथनोइट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सो इस बात को आप याद रखना और अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज फोर एफ चौदह आ गई फाइव डी वन आ गई सिक्स टू आ गई सो so, बाबा, बाबा, बाबा जाओ अब देखो इसके बाद फोर एफ चौदह फाइव डी वन सिक्स एस टू तो आपको पता है एफ ऑर्बिटल में चौदह फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको प्लेस कर दें तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये हमारा फुली फील्ड है इधर आ जाओ ये हमारा फुली फील्ड है सो so, इसको मेंटेन करने के लिए ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे तो जो हमारा एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट क्या हो जाएगी प्लस थ्री यहाँ पे हाफ फील्ड करने के लिए एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पे पहुंच गई थी प्लस फोर सो so, ये सारी की सारी बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है इस करके याद रखना इस क्वेश्चन में आपको यही बताया गया कि सभी लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है सो so, ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था आई होप आपको समझ आ गया होगा If you have any difficulty, you can ask me. डिफिकल्टी यू कैन आस्को मीट ऐप में मिले सभी बच्चे मिला करो ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकू ठीक है लेट मी सी क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया हमारा हाँ जी आज फिर उसके बाद बेटा सॉरी आज हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा अब हमारे पास ना बी पार्ट भी है बी पार्ट क्या कह रहा है डिस्क्राइब द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद स्पेशल सबसे पहले देर टेंडेंसी टू एक्सिबिट पैरामैग्नेटिक देखो जी जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बेटा उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही होते इस करके सारे ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील करते हैं ठीक है ऐसा क्यों क्योंकि जब भी एक डी डी ब्लॉक की बेटा ये सबसे बड़ी करेक्टर है डी ब्लॉक का सबसे बड़ा करेक्टर है पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल जब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पार्शली फील्ड होते हैं एक ना एक अनपेड आएगा ही आएगा So, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन के आने के कारण आपके पास पैरामैग्नेटिक करेक्टर आएगा आएगा तो प्लस वन में हमने बहुत किया अच्छा फिर ट्रांजिशन मेटल इतना आसानी से इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स क्यों बना लेते हैं बहुत ईजी है जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट होती है उनके पास फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है और फिल्ड डी ऑर्बिटल में एक ना एक ऑर्बिटल फ्री अवेलेबल होता ही होता है जो पूरे का पूरा लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है लाइगन से लागेंट क्या होते हैं जिनके पास लोन पेर होते हैं तो वहां पे डेटिव बॉन्ड जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा ये देखो ये मेरे पास एक डी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है पे अब इस डी ऑर्बिटल में NH3 अपना लोन पेयर दे सकता है कितने डी ऑर्बिटल है चार सो क्योंकि ये आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइग के अपने खाली ऑर्बिटल्स में इस करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कैटालिटिक बिहेवियर इनका क्यों होता है क्योंकि बेटा ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आपको बताया है पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी क्योंकि अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं फिर घटेगी क्योंकि पेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सेवन फिर मैंगनीज से नीचे आयरन हो गया आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो पे पहुंच जाती है सो so, ये मेरा बेटा फाइनली हमारा लेक्चर खत्म हुआ अच्छे से पढ़ो स्टे सेफ स्टे होम स्टडी